नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोरी डीग ब्लॉक में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। इसलिए मैं आज आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में जानकारी देता हूं। सबसे पहले इसमें वर्ड प्रोसेसर क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग शब्द को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का टेक्स्ट टाइप करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार से फॉर्मेट और तथा सेटिंग की जा सकती है। इसका प्रयोग एप्लीकेशन, पत्र, नोट्स, मेमोज आदि तैयार करने तथा उन्हें प्रिंट करने के लिए किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर का मुख्य उदाहरण एमएस वर्ड है। स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रॉ तथा कॉलम के संग्रह को स्प्रेडशीट कहते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड तथा डाटा को स्टोर करने तथा डाटाबेस में गणना करने या हल निकालने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट का मुख्य उदाहरण एमएस एक्सेल है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनका प्रयोग अकाउंट को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य उदाहरण टैली, अकाउंट लीडर और बिजी आदि। डीटीपी सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनका प्रयोग विशेष प्रकार की डिजाइन तैयार कर उन्हें प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य उदाहरण पेज मेकर, फोटोशॉप आदि। डाटाबेस प्रोग्राम भी प्रोग्राम होते हैं जिनका प्रयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डाटा को सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके मुख्य उदाहरण एमएस एक्सेस, फॉक्सप्रो आदि। वायरस तथा एंटीवायरस वायरस असामाजिक तत्वों द्वारा तैयार किए हुए ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में किसी भी माध्यम से घुसकर कंप्यूटर का डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आने से रोकने के लिए आए हुए वायरस को हटाने के लिए बनाए जाते हैं। इसके मुख्य उदाहरण है नॉर्टन एंटीवायरस, एंटीवायर आदि। यूटिलिटी प्रोग्राम वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के रखरखाव तथा मेंटेन करने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। इन प्रोग्रामों के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। डिस्क फॉर्मेट करना, फाइलों को डिस्क में उचित जगह प्रदान करना, डिस्क में मेमोरी को सुनियोजित तरीके से मैनेज करना, विभिन्न फाइलों तथा डायरेक्टरियों को खोजना, सिस्टम फाइलों का बैकअप लेना, वायरस की जांच करना, फाइलों को कंप्रेस करना। इस तरह से आज हमने आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी है। आज बस इतना ही।